सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की, ये तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है। साथ ही दरख्वास्त वापसी की इस्तदा पर दरख्वास्त खारिज की जाती है, ये भी कहा गया है। दरख्वास्त गुजार को दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार है, अदालती हुक्म में लिखा गया है कि दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का मुतालिका फोरम पर इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार यानी कि मेहदी अली काजमी वालिद दुआ जहरा को यह इख्तियार दिया गया है। इसी के साथ साथ ये भी लिखा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन असर अंदाज नहीं होगी नई दरख्वास्त के ऊपर, यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने जो अपने फैसले में ऑब्जर्वेशन दी थी वो किसी सूरत भी असर अंदाज नहीं होगी दुआ जहरा की नई एप्लीकेशन के हवाले से, उनके मेडिकल जांच के हवाले से। वो अगर अब चाहें मेहदी अली काजमी साहब तो वो दरख्वास्त मूव कर सकते हैं एक नए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए। और जैसा कि जुबरान नासिर साहब ने कल मुकदमे की समाअत के बाद मीडिया को बताया भी था कि वजारत सेहत में एक नई दरख्वास्त दायर की गई है, भेजी गई है कि एक नया मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो और वो दुआ जहरा के उम्र की जांच करे। तो बेसिकली मामला जो है वो साफ साफ ये आया है और ये देखा जाए तो एक तरह से जीती है मेहदी अली काजमी साहब की, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने तो अपने ऑब्जर्वेशन में कह दिया था कि दुआ जहरा की उम्र मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 17 साल की है और इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने इजाजत दी थी कि वो अपने खाविंद के साथ चाहे तो जा सकती है। खाविंद के साथ रहने के हवाले से भी उसे कहा गया था कि वो दो मरतबा उसने बयान दिया कि वो रहना चाहती है, तो इस बेसिस पे सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मेहदी अली काजमी साहब को ये रिलीफ मिला है कि वो दरख्वास्त दायर करें सिंध हाई कोर्ट में कि वो नई मेडिकल बोर्ड को तरतीब दे और वो दरख्वास्त जो उन्होंने वजारत सेहत को दी है वो चाहें तो वही दरख्वास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में भी जमा करा सकते हैं ताकि नया मेडिकल बोर्ड बने। मेडिकल बोर्ड जो पिछला बना था उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठे थे क्योंकि ये मेडिकल वो मेडिकल बोर्ड उस वक्त कायम किया गया जब नया कोई मेडिकल लीगल ऑफिसर जो है वो तायनात हुआ था, तो उसके ऊपर बड़े शकोक व शुबात थे। मेहदी अली काजमी और दुआ जहरा के वालदैन को भी बजात खुद शैला रजा साहिबा जो वजीद हैं सिंध हुकूमत की, उन्होंने भी उस हवाले से सवालात उठाए थे। उन्होंने तो हत्ता के उन मेडिकल रिपोर्ट को और उसके ऊपर मौजूद मेडिको लीगल ऑफिसर के दस्तखत को ही चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ये जाली दस्तखत लगते हैं। तो अब एक मौका एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है दुआ जहरा के वालिद को कि वो एक नई दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में मूव करें। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी समाअत में एक और अपॉर्चुनिटी दी है दुआ जहरा के वालदैन को कि वो चाहें तो उनकी बेटी से उनकी एक लंबे वक्त के लिए, लंबे वक्त का मतलब 8 से 10 घंटे के लिए उनकी मुलाकात का कोई वक्त मुकर्रर किया जा सकता है। वो चाहें तो तन्हाई में अपनी बेटी से मुलाकात करें और उसके बाद उनकी बेटी अगर चाहे तो वो अपने फैसले पर नजरसानी करे जो उसका माजी का फैसला है कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। तो ये मामला दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है ये दुआ जहरा के वालदैन को। तो सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से देखा जाए तो दो तरह का रिलीफ मिला है दुआ जहरा के वालदैन को। जिब्रान नासिर साहब ने कल जब अपनी मीडिया टॉक की तो उन्होंने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया दुआ जहरा के केस के हवाले से और उन्होंने इसका पैरेलल ड्रॉ किया नकीबुल्ला के मर्डर केस से। वहां पर भी वकील जो है वो जिब्रान नासिर साहब ही हैं और वो मुकदमा पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल चले जा रहा है, ना उसमें कोई पेशरफ्त हो रही है ना कुछ हो रहा है। अलबत्त ये जरूर हुआ है कि उस केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार साहब जो है अब वो बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर और बड़े बड़े एंकर हजरात को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। वो अपनी जो है वो सारे के सारे तजुर्बात जो हैं वो बिखेर रहे, उसके मोती बिखेर रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो उसका हवाला बड़ा जबरदस्त दिया जिब्रान नासिर साहब ने जो कि
उस केस में भी वकील हैं और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्या दुआ जहरा का मामला भी हमने उसी तरह से लटका कर रखना है जिस तरह से हमने इस अनकीबुल्ला के केस को लटका कर रखा हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुआ जहरा का केस बिल्कुल उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से नकीबुल्ला का केस चल रहा है। रिलीफ पर रिलीफ मुलजमान को मिले जा रहा है, रॉ अनवार साहब दंदनाते फिर रहे हैं और इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं बड़े बड़े टीवी चैनल्स को। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि दुआ जहरा, उनके खाविंद और उनसे मुंसलिक दूसरे अफराद भी इसी तरह कहीं, अभी तो वो एक चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दे रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे चैनल और फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया को भी इंट्रोड्यूस देना शुरू कर दें और एक ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाए कम उम्र की शादी की। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सिंध हाई कोर्ट में अब जब नई दरख्वास्त आएगी दुआ जहरा के पेरेंट्स की तरफ से, तो वो यकीनन उसके ऊपर सरात से काम होगा, तेजी से काम होगा और रिलीफ मिलेगा दुआ जहरा के वालदेन को। इसी तरह ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मुकदमा है उसके हवाले से भी, जो कि निकाह का मुकदमा है कि निकाह है या नहीं है, तो उसके ऊपर भी तेजी से कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में ट्रायल कोर्ट ने अब तक एक और इससे मिलते जुलते केस में बड़ी तेजी से कार्रवाई की है और वो निमरा काजमी और उसके खाविंद का मामला है। निमरा काजमी इस वक्त दारुल अमान में है और उनके शोहर को कल ही जो है वो जमानत पर रिहा किया गया है। तो बेसिकली दुआ जहरा का मामला भी उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के अंदर उतनी ही तेजी से चलेगा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी है कि कुछ अफराद ये कह रहे हैं कि बच्चों को सीख लेना देना चाहिए, यानी कि बच्चे जो चाहें अपनी मर्जी कर जाएं और उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए, उनको उनकी मर्जी कर लेने देनी चाहिए और उनको अपने तजुर्बात से का शिकार होकर या सीखने का कोई मौका देना चाहिए। मामला यह है कि बिल्कुल बच्चों को आजादी होनी चाहिए कि वो जो चाहें जिस तरह से चाहें अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान में जो रायजुल वक्त कानून है उस कानून के दायरे में रहते हुए बच्चे ने जिंदगी गुजारनी होती है। बच्चा 18 साल की उम्र का होगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, शनाख्ती कार्ड बनेगा, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तो वो गाड़ी चलाने के लायक होगा। ये नहीं हो सकता कि 14 साल का बच्चा गाड़ी लेके दंदनाता फिरे पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर। अगर वो ये करेगा तो पाकिस्तान के कानून की गिरफ्त में आएगा, उसका चालान होगा। ये रायजुल वक्त कानून के तहत ये मामला है। अगर कोई साहब ये सब चाहते हैं कि उनका बच्चा 14 साल या बच्ची 14 साल की उम्र में गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दे पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, तो ये उनकी मर्जी है। वो अगर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा सानिया या हादसा हो जाए और उससे उसका उनका बच्चा सीखे, तो ये भी उनकी मर्जी है। बिल्कुल चाहें तो वो ये करवा लें, वो करवा सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके नतीजे में जो सानिया होगा उसमें उनका खुदा ना खास्ता उनका बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। वो सीखने के चक्कर में कहीं इस दुनिया से तो रुखसत नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली इस बहस को इस पैराए में डालने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को सीखने देना चाहिए, उसके ऊपर कोई गैर जरूरी किस्म की सख्ती नहीं करनी चाहिए। गैर जरूरी सख्ती जो है वो माँ बाप करें या ना करें, लेकिन कानून को तोड़ना तो किसी सूरत भी ये माँ बाप के लिए के बस की बात भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर माँ बाप चाहें भी और अपनी बेटी की शादी वो 14 साल की उम्र में कर दें तो कानून उनको इजाजत नहीं देता, इस पर भी गिरफ्त हो सकती है। और बहुत से केसेस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं जिनके रेफरेंस दिया जा सकता है कि 14 साल की बच्ची का माँ बाप ने रिश्ता कर दिया और पुलिस ने पर्चा काट दिया दूल्हे के खिलाफ भी, दुल्हन के खिलाफ भी और वालदेन के खिलाफ भी और निकाह ख्वां के खिलाफ भी। तो बेसिकली मामला वालदेन की मर्जी, औलाद की मर्जी या किसी और की मर्जी का नहीं है। मामला यह है कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक कानून लाया जाए, उस कानून पर अमल करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे के पाकिस्तान में
एक मतलूबा उम्र से ऊपर के नीचे के लोगों को गन का लाइसेंस भी नहीं मिलता, असलहे का लाइसेंस नहीं मिलता। असलहे के लाइसेंस के लिए आपको एक उम्र चाहिए होती है, फिर उसके मजीद लवाजमात होते हैं, मजीद क्राइटेरियाज होते हैं, उस पर अमल करना होता है। ये नहीं हो सकता कि 13-14 साल का बच्चा या बच्ची आज किसी गन के शॉप में चला जाए और वह जाकर के वहां से असलहा खरीद ले और फिर उसके साथ वो जो करता फिरे, ये हो नहीं सकता। इसके लिए वालदैन का मना करना या ना करना जो है वो जरूरी नहीं होता। उसके लिए जरूरी यह है कि कानून पर अमल दरामद होगा। बच्चा अगर 14 साल का किसी गन के साथ घूम रहा होगा तो पुलिस उसको उसी वक्त धर लेगी। ये है मामला। तो ये बहस इंतहाई मेरी नजर में फरोही है कि कर लेने दें, बच्चा सीख लेगा। बच्चा सीखेगा तो जरूर, लेकिन कानून के दायरे में सीखेगा। बच्चा ड्राइविंग गाड़ी चलाना उस वक्त सीखेगा जब वो 18 साल की उम्र का होगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, उसको लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा, तो वो ड्राइविंग करेगा। उससे पहले जो वो काम करेगा, जो अगर वो ये हरकत करेगा तो वो गैरकानूनी होगी। तो बेसिकली सोशल मीडिया पर मेरी उम्मीद ये है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बहस से इज्तनाब किया जाएगा, क्योंकि ये किसी सूरत भी कानून के जुमरे में नहीं आता। यही केस है दुआ जहरा का। अगर उसके वालदैन उसकी मुखालफत कर रहे हैं शादी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं और उसकी इसी उम्र में शादी कर दे। उनको इस बात की भी इजाजत नहीं है, उनको कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि मेहदी अली काजमी साहब कल को दुआ जहरा अपने घर आ जाए और वो 14 साल की बच्ची है और वो चाहे कि वो किसी और से शादी कर दें उस अपने बेटे बच्ची की, तो ये नहीं हो सकेगा। कानून उनको भी रोकता है इस बात से। तो बेसिकली मामला जो है वो कानून पर अमल दरामद का है। जिब्रान नासिर साहब का केस सारा यही है, मेहदी अली काजमी साहब का केस सारा यही है कि ये मुकदमा जो है वो कम उम्री की शादी का है और इसको बेसिकली सूरत हाल इसी जुमरे में देखना चाहिए, इसी सूरत में देखना चाहिए, बजाय इसके कि इस मामले को किसी और एंगल से देखा जाए। साथ ही साथ अब आइंदा इस केस में क्या होने वाला है, क्या सिनेरियो बनता है, क्या सूरत हाल बनती है, हमें इसके ऊपर भी नजर डालने की जरूरत है। बिलफर्ज के ये केस अब सिंध हाईकोर्ट जाए, एक दरख्वास्त जाए मेहदी अली काजमी साहब की तरफ से बजरिया उनके वकील इब्राहिम नासिर के जरिए, और उसमें 2-3 प्लीज की जाए जो कि बहुत जरूरी है, जिनकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी है। एक तो मेडिकल बोर्ड की दोबारा से फॉर्मेशन ताकि तायुन हो कि दुरुस्त उम्र क्या है दुआ जहरा की। दूसरा जो इंटरव्यूज चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दुआ जहरा के, जिसमें ग्लोरीफाई किया जा रहा है चाइल्ड मैरिज को। देखें ग्लोरिफिकेशन, यहाँ फिर वही बात कि ग्लोरिफिकेशन दुआ जहरा की नहीं है, ग्लोरिफिकेशन चाइल्ड मैरिज की है। आज दुआ जहरा है, कल को कोई और होगी, या आज जहीर अहमद है, कल को कोई और होगा। ग्लोरिफिकेशन चाइल्ड मैरिज की गलत है, इसकी प्रमोशन गलत है। तो ये प्ली जरूर सुननी चाहिए सिंध हाई कोर्ट को। फिर इसके साथ ही साथ उनकी रजामंदी है या नहीं है दुआ जहरा की, वो आप जैसा कि उसके वालदैन कहते हैं कि 5 मिनट की मुलाकात हुई थी सिंध हाईकोर्ट में जजेस के चैम्बर में 20 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में। उस वक्त कितने लोग कितनी उसने जुर्रत दिखाई लड़की ने, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, सच कह रहे हैं वालदैन, झूठ कह रहे हैं वालदैन, उसकी एक मरतबा डिटेल एक लंबे अरसे के लिए मुलाकात उसके वालदैन से हो, उसके बाद उसका जो मौकफ सामने आए वो देखा जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरी जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से हमने खबर दी कि दुआ जहरा का वीज़ा है, 2 ममालिक के उसके पास वीज़ाज हैं, वो कहीं भी किसी वक्त भी जा सकती है। जाहिर है उसका नाम ना ज़हीर अहमद का नाम ECL पर है, तो उसका भी मामला देखने की ज़रूरत है। उसको वो प्ली परसों डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, मुझे यकीन है कि मेहदी अली काजमी साहब यही दरख्वास्त दोबारा सिंध हाई कोर्ट को या ट्रायल कोर्ट को करेंगे, तो वो भी मामला जरूर देखने का है, क्योंकि बच्ची
एक मरतबा भी किसी सूरत भी इस मुल्क से बाहर नहीं जानी चाहिए जब तक ये मुकदमा चल रहा है। अगर ये मुकदमा फारिग हो जाए उसके बाद मर्जी है वो जहाँ चाहे चली जाए, क्योंकि जाहिर है अदालत की तरफ से मनादी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें तो यही होना चाहिए जो लॉजिकल बात है। इसी के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जो हमने शुरू में कहा कि उम्र के तायुन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो तिब्बी माहिरीन बताते हैं, वो लेटेस्ट प्रोसीजर को यकीनन फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं होगा तो फिर मामला जो है वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर दोबारा से कलाई के टेस्ट के जरिए ही उसकी उम्र का तायुन होगा तो वो किसी भी तिब्बी माहिर से आप पूछ लें वो 100% एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट नहीं है, वो 70% एक्यूरेट भी टेस्ट रिजल्ट नहीं होता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक डेंटल टेस्ट जो है वो किसी भी उम्र की करीब तरीन परफेक्शन के लिए जरूरी होता है, तो वो उम्मीद की जानी चाहिए कि मेडिकल बोर्ड इसके ऊपर काम करेगा। देखते हैं कि अब ये दरख्वास्त का मूव होती है सिंध हाई कोर्ट में जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, और जैसा कि उन्होंने वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो। कल जैसा कि उन्होंने कहा कि नतीबुल्ला की तरह इस केस को लटकना नहीं चाहिए, इसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए, तो उम्मीद तो यही है कि वो जल्द से जल्द दरख्वास्तें मूव करेंगे सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद अदालत के क्या अहकाम आते हैं, किस तरह का ट्रायल चलता है, दुआ ज़हरा कराची आती है ट्रायल में हिस्सा लेती है, ज़हीर अहमद आता है नहीं आता है, ये सारी सूरत हाल। इसी के साथ साथ लाहौर और पंजाब में इस मामले के ऊपर उनकी मूवमेंट क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अब तक की हमारी इत्तला तो यही है कि ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा लाहौर में नहीं है, जहाँ पे ज़रिया मुआश है ज़हीर अहमद का, जैसा कि उसने खुद बताया कि वो ऑफिस सेंटर में कोई मोबाइल का कारोबार करता है, तो लेकिन वो अभी तक लाहौर तो नहीं आया जब से वो कराची से गया है। तो देखना होगा कि ये सारी सूरत हाल किस तरह से डेवलप होती है। अब तक के लिए इतना ही, अगले शो में दोबारा हाजिर हूँ।